अगर आप बिग बैश में फैंटेसी टीम बना करके बहुत सारे इनाम जीतना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बिग बैश लीग की जब आप टीम बनाएंगे तो प्लेयर्स का रिकॉर्ड कहां से कैसे बिल्कुल ही आसानी से सर्च करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रियल किंग ऑफ क्रिकेट के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिग बैश लीग के लिए आप प्लेयर्स का और टीम का रिकॉर्ड कहाँ से कैसे चुटकियों में निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रेगुलरली क्रिकेट ट्यूटोरियल और क्रिकेट अपडेट्स के वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है ESPN क्रिक इन्फो की वेबसाइट। इसी वेबसाइट की मदद से हम बिग बैश लीग के सारे रिकॉर्ड निकालना आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे स्टैट्स में। आमतौर पर जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैट्स निकालते हैं तो हम जाते हैं स्टैट्स ग्रुप में, लेकिन अभी हम स्टैट्स ग्रुप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड्स में देखिए, ऊपर टेस्ट मैच है, फिर ODI है, फिर अदर क्रिकेट है, फिर रिकॉर्ड्स बाय टीम है। इन सबको हमें नहीं टच करना है, हमें जाना है ट्रॉफी कप रिकॉर्ड्स वाले सेक्शन में। इस सेक्शन में हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ दिखेगा बिग बैश लीग। इससे पहले मैंने वुमेन्स बिग बैश लीग के रिकॉर्ड कैसे निकाले वो भी बताया था मैंने आपको, इसी तरीके से बताया था। वुमेन्स बिग बैश लीग यहाँ पे है देखिए, लेकिन अभी हम जानना चाह रहे हैं पुरुषों की बिग बैश लीग के रिकॉर्ड्स के बारे में, जो शुरू हो रही है इस सीजन में 10 दिसंबर से। तो वो है यहाँ पे बिग बैश लीग। इस बिग बैश लीग पे हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये ओपन होकर के आ गया सीरीज रिजल्ट, लिस्ट ऑफ मैच रिजल्ट्स, इस तरह से ये टीम रिकॉर्ड्स है, ये बैटिंग रिकॉर्ड्स है, ये बॉलिंग रिकॉर्ड्स है। ये तमाम अब तक जितने बिग बैश लीग के मैच खेले गए हैं उसमें सभी ओवरऑल रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि हम सीरीज रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि किस सीरीज में कौन से साल कौन सी टीम चैम्पियन बनी थी। देखिए 2011-12 में सिडनी सिक्सर्स बनी थी, फिर ब्रिस्बेन हीट, फिर स्कॉर्चर्स, फिर सिडनी थंडर्स, फिर स्कॉर्चर्स, फिर स्ट्राइकर्स, फिर मेलबोर्न, फिर सिडनी सिक्सर्स, इस तरह से है। बैक करते हैं। इसी तरह लिस्ट ऑफ मैचेस, अगर आप एक एक मैच का रिजल्ट जानना चाहते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ मैच रिजल्ट्स में जाइए, यहां पे सीजन वाइज दिया हुआ होगा। जैसे देखिए 2019-20 के सीजन के हमें सभी मैचों का रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे, पहले सीजन के चाहिए तो यहाँ क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ 2019-20, देख लीजिए इसके एक एक मैच का रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला है रिजल्ट समरी, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इस लीग में कौन सी टीम ने अब तक कितने मैच खेले, कितने जीते, कितने हारे। देखिए जैसे एडिलेड स्ट्राइकर्स ने अब तक 90 मैच खेले हैं, 47 में जीत मिली है, 40 में हार। ब्रिस्बेन का 48, ज़्यादा हारी है ब्रिस्बेन की टीम। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छी टीम है आपको पर्थ स्कॉर्चर्स की, मैच जीतने के लिहाज से 55 मैच जीती है, 41 मैच हारी है। इसका विन लॉस परसेंट भी देख लीजिए 57.21 का है। फिर से हाईएस्ट टोटल बिग बैश लीग में अब तक जो सबसे बड़े बड़े स्कोर बने हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। 223.48 जो है बिग बैश लीग का सबसे बड़ा स्कोर है, जो 2017 में बना था, ये भी आपको बहुत आसानी से मिल गया। फिर से लोएस्ट मैच एग्रीगेट्स, लार्जेस्ट विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत, स्मॉलेस्ट विक्ट्रीज, मोस्ट एक्स्ट्रा इनिंग्स, इस तरह के रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ये टीम रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से बैटिंग रिकॉर्ड, बिग बैश लीग में सबसे ज़्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं, क्रिस लिन होना चाहिए नंबर एक पे, हाँ क्रिस लिन है। 77 मैचों में 2332 रन, एरन फिंच, इसी तरह से सब है। इसी तरह यहाँ पे बैटिंग के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, सबसे बड़ी पारियाँ किन बल्लेबाजों ने खेली है ये भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये देख लीजिए स्टोइनिस ने 147 रन की पारी खेली थी नाबाद पिछले सीजन में, ये सबसे बड़ी पारी है बिग बैश लीग की। बैक कर लेते हैं। हाई स्कोर भी मिल जाएगा, हाईएस्ट एवरेज भी मिल जाएगा, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स भी मिल जाएगा, मोस्ट 50s भी मिल जाएगा। इसी तरह बॉलिंग रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे आपको, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए ये यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए आ गया सबसे ज़्यादा विकेट जो है इस गेंदबाज ने लिए 110 विकेट, फिर एवॉर्ट ने 99, रिचर्डसन ने 83, इस तरह से बॉलिंग का रिकॉर्ड भी निकल जाएगा। ये सब ओवरऑल हो गया, विकेट कीपिंग का निकाल सकते हैं, फील्डिंग का निकाल सकते हैं, पार्टनरशिप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी निकाल सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मैच किसने खेले हैं, कप्तानी, प्लेयर और एम्पायर, ये तीनों निकल जाएगा इसमें। ये तो हो गया ओवरऑल। अब आइए इसके राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे है प्लेयर्स एवरेज, यहाँ बैटिंग एवरेज के हिसाब से हर टीम का निकल जाएगा। जैसे एडलीट पे क्लिक करेंगे तो एडलीट की ओर से जो बैट्समैन हैं उनका, जितने बैट्समैन ने ठीक ठाक खेले हैं
उनका आ जाएगा, सबका आ जाएगा। इसी तरह ब्रिस्बेन सभी टीम का आ जाएगा, इसी तरह बॉलिंग का आ जाएगा एक एक टीम का। जैसे फिर से मान लीजिए एलिट स्ट्राइकर्स पर क्लिक करता हूँ और बैक कीजिए। अब है इसका सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, ये सेक्शन जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं मोर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स बाय टीम और रिकॉर्ड्स बाय अपोजिशन, ये सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है। ये सबसे ज़्यादा आपको काम आएगा अगर आप फैंटेसी लीग की टीम बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड्स बाय टीम जैसे है तो इसमें आप किसी टीम पर क्लिक करेंगे तो उस टीम के सारे रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सिडनी सिक्सर्स पर क्लिक करता हूँ तो अब जो ओपन होगा, जैसे इधर ओपन हो गया, इसमें आ जाएगा सिडनी सिक्सर्स ने कितने मैच खेले ये सब, और इसमें आ जाएगा सिडनी सिक्सर्स की ओर से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सबसे बड़ी पारियां किसने खेली, सबसे अच्छा एवरेज किसका है, ये बैट्समैन का, फिर ये बॉलिंग का आ रहा है, ये सारे सिडनी सिक्सर्स के आ रहे हैं। देख लेते हैं सिडनी सिक्सर्स की ओर से मोस्ट रन वाले पे चले जाते हैं। ये देख लीजिए सिडनी सिक्सर्स की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं मार्कस हेनरिकेस ने 82 मैचों में 1745 रन, फिर मेडिसन ने 56 मैचों में 1349 रन। तो आप जानना चाहेंगे कि सिडनी सिक्सर्स की ओर से सबसे बड़ी पारियां किसने खेली है, तो यहाँ पे हम हाई स्कोर्स पे क्लिक कर लेंगे, ये आपको निकल करके आ जाएगा। अच्छा देखिए इस टीम की ओर से अब तक किसी ने जो है बिग बैश लीग में शतक नहीं जमाया है। इसी तरह आप बॉलिंग रिकॉर्ड्स निकाल लेंगे, सिडनी सिक्सर्स की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट जो है सीन एबॉट ने लिए हैं 62 मैचों में 89, फिर 61, फिर 48, फिर 42, इस तरह से आपको बॉलिंग रिकॉर्ड भी यहाँ पे निकल के आ गए हैं। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन इसका है रिकॉर्ड्स बाय अपोजिशन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, किसी भी पर्टिकुलर टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, इस तरह के रिकॉर्ड आपको निकल जाएंगे। मैं सिडनी सिक्सर्स पे ही क्लिक करके फिर से आपको दिखाता हूँ, तो अब जो लिस्ट आएगी उसमें आएगी सब कुछ सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ के हिसाब से। जैसे ये आ गया, ये तो सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ बाकी टीमों का जो प्रदर्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बैटिंग रिकॉर्ड्स, इस मोस्ट रन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मोस्ट रन की लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें पता चलता है कि हमें सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं। तो देखिए ग्लेन मैक्सवेल जो है, जो मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाड़ी हैं, उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा 435 रन बनाए हैं। इसी तरह जैसे आप मान लीजिए कोई मैच मेलबर्न रेनिगेट्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच होने वाला है तो उसमें आप मैक्सवेल को चुन सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल का जो रिकॉर्ड है इस टीम के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह से एरन फिंच का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, सिर्फ 8 मैचों में 328 रन। इसी तरह हमें निकालना है सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ किन गेंदबाजों ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो यहाँ पर हम बॉलिंग रिकॉर्ड्स में आके मोस्ट विकेट्स पर क्लिक कर देंगे। इसे देखिए आ गया, ये लिस्ट रही उन गेंदबाजों की जिन्होंने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ ज़्यादा विकेट लिए हैं। जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए हमें जानना है किसी खिलाड़ी के बारे में कि वह खिलाड़ी फॉर्म में है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है क्रिकेट पे मौजूद सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे और उस खिलाड़ी को सर्च करेंगे, पर्टिकुलर खिलाड़ी को सर्च करेंगे। मान लीजिए हम क्रिस लिन को सर्च करते हैं, LYNN, क्रिस लिन। ये आगे क्रिस लिन भाई साहब, इनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये प्लेयर का प्रोफाइल पेज आ गया, शुरुआत में उनकी समरी है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, इन पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है क्रिस लिन ने जो आखिरी कुछ मैच खेले हैं, एक आखिरी 10 मैच का उसका स्कोर जो है आ जाएगा, चाहे वो कोई भी मैच खेला हो उसका स्कोर आ जाएगा। अभी क्रिस लिन अभी देख लीजिए पिछले जो T20 मैच उन्होंने खेला है पैट्रियट्स की ओर से, उसमें 8 रन बनाए हैं, उससे पहले 23 रन नवाद बनाए, उससे पहले 34, फिर 8, फिर 0। ये देख के लग रहा है कि ये बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। तो देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से बिग बैश लीग के सारे रिकॉर्ड निकालना सीख लिया। अगर आप इस लेसन को BBL टीम बनाते समय फैंटेसी क्रिकेट में BBL की टीम जब आप बनाएंगे उसमें अप्लाई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो बिग बैश लीग के बारे में, जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड Love you.